जी कौन बताएगा मुझे पॉलीगॉन किसे कहते हैं? हाँ भाई, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? जी हाँ भाई, अ सिंपल क्लोज फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय थ्री थ्री लाइन सिमेट्री या मोर देन थ्री लाइन सिमेट्री। लाइंस। हाँ जी, पॉलीगन कहते हैं क्लोज फिगर कंटेनिंग साइड्स या फॉर्म बाय द साइड्स, ठीक है, फॉर्म बाय द लाइंस। अगर आप सिर्फ क्लोज फिगर की बात करते हो तो क्लोज फिगर तो सर्कुलर भी हो सकता है, ध्यान रखिए, कर्व वाला भी हो सकता है, लेकिन कर्व वाला जो होगा वो पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। फिर वो सर्कुलर या कर्व की हम बात करेंगे तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारा पॉलीगन होना चाहिए लेकिन लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो लाइन सेगमेंट से जब भी अगर फिगर बनेगी क्लोज फिगर, तो उसमें जरूरी होता है कि दो से ज्यादा लाइन हो, दो लाइन से कभी भी फिगर क्लोज नहीं होगी। तो या तो तीन लाइन होंगी या फिर चार लाइन होंगी या फिर पांच लाइन होंगी, तो मिनिमम थ्री लाइंस जरूरी है। तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास साइड थ्री है तो हम उसे कहते हैं ट्राइंगल, अगर हमारे पास साइड्स फोर हैं तो उनसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, अगर हमारे पास फाइव है तो हमसे कहते हैं पेंटागन, अगर हमारे पास साइड सिक्स है तो उसे हम कहते हैं हेक्सागन, अगर हमारे पास साइड सेवन है तो हम क्या कहते हैं उसे, किसी को पता है सेवन साइड्स वाले पॉलीगन को क्या कहते हैं? हेप्टागॉन। हेप्टा। एट को क्या कहते हैं ऑक्टागन। और नाइन को, नैनागन। महावर। नैनागन। और टेन? डेकागन। डेकागन। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, हमारे पास पॉलीगन दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। एक्चुअली होता क्या है, जैसे केव और वैक्स की हम बात कर रहे हैं, कभी कभी हमारे पास पॉलीगन में कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई एक जो वर्टेक्स कह लीजिए या साइड्स कह लीजिए वो अंदर की तरफ हो जाए, केव टाइप बन जाए, ये समझ लीजिए, तो उसे कॉनकेव कहते हैं। और एक पॉलीगन हमारे पास ऐसा होता है कि सारी की सारी साइड्स जो एंगल्स जो है वो आउटसाइड की तरफ ही निकले हुए हैं, तो इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। दूसरी भी डेफिनेशन देते हैं कि अगर किसी पॉलीगन में कोई एंगल मोर देन 180 है, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180, ठीक है, तो उस वाले पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। जैसे अगर हम यहां देखेंगे, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180। यहां अगर आप देखोगे, यहां एक एंगल 180 से ज्यादा, और अगर आप इधर देखोगे तो इसमें सारे एंगल जो होंगे वो हमेशा 180 से छोटे होंगे। तो एक पहचान ये है। दूसरी पहचान ये होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, कि अगर आप किसी एक पॉइंट से देखोगे, मान लो मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मुझे जितने भी वर्टेक्स हैं, ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है, एक ही साइड दिखाई देने चाहिए। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं पी पॉइंट से देख रहा हूँ तो सारे वर्टेक्स एक ही साइड है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाले पॉइंट से देखूं, क्या क्यू वाले वर्टेक्स से, तो क्यू वाले वर्टेक्स से अगर मैं पॉइंट्स देखूंगा तो कुछ पॉइंट तो हैं क्यू के पीछे हैं और कुछ पॉइंट क्यू के सामने। तो अगर कुछ पॉइंट एक तरफ होते हैं, कुछ दूसरी तरफ होते हैं, तो उन्हें कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में आप कहीं से भी देखिए,
सारे के सारे वर्टेक्स एक ही साइड मिलेंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तब भी एक साइड मिलेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तब भी एक साइड मिलेंगे, यहाँ से देखेंगे तब भी एक साइड मिलेंगे। तो ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सेम साइड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से देख रहे हो। तो इस तरह के कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन का सीधा सा एक रूल है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास होता क्या है, आपने पढ़ा यही है कि अगर आपके पास मान लीजिए मैं आपसे कहूँ क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डिफरेंट आप ट्राइंगल्स बना सकते हो? तो आप दो ट्राइंगल बना सकते हो। ट्राइंगल में तो एक ही होता ही है, थ्री साइड्स में एक ट्राइंगल होगा, फोर साइड्स में दो ट्राइंगल बनेंगे। अगर आपके पास फाइव साइड्स होंगे तो फिर आपके पास तीन डिफरेंट ट्राइंगल बनेंगे। तो ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास क्या होता है पॉलीगन्स में, हम कहते हैं n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स भी कह सकते हो या नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कह सकते हो, ध्यान रखना, या नंबर ऑफ पॉइंट्स भी कह सकते हो। तो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ट्राइंगल कह लीजिए, डिफरेंट ट्राइंगल फॉर्म बाय एन साइड्स या एन पॉइंट्स, ऑलवेज एन माइनस टू। एन साइड से हमेशा एन माइनस टू ट्राइंगल बनेंगे, ये ध्यान रखना। मतलब अगर आपके पास थ्री साइड्स हैं तो इसका मतलब थ्री माइनस टू वन ट्राइंगल फॉर्म होगा। अगर आपके पास फोर साइड्स हैं तो आपके पास फोर माइनस टू टू ट्राइंगल्स बनेंगे। अगर आपके पास फाइव साइड्स हैं तो फाइव माइनस टू थ्री ट्राइंगल्स बनेंगे। तो एन साइड से एन माइनस टू ट्राइंगल्स बनते हैं, डिफरेंट ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट ट्राइंगल्स बनेंगे। तो सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए पॉलीगन हैविंग एन साइड is equals to n minus 2 into 180. मैंने आपसे क्या कहा n minus 2, मैंने कहा है ट्राइंगल्स कि भाई इतने ट्राइंगल्स बनेंगे और एक ट्राइंगल का सम आपको पता ही है 180 होता है। तो अगर एक ट्राइंगल बन रहा है तो सम ऑफ ऑल एंगल 180 होगा, दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो 2 into 180 360 होगा, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं तो 180 into 3 540 होगा। तो इस तरह से आप सम ऑफ ऑल एंगल्स निकाल सकते हैं। और सम ऑफ ऑल एंगल्स भी इसमें हम कौन से कह रहे हैं, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आपके पास 10 साइड्स हैं तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन्हें डेकागन हो जाएगा, ये वो हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा बस। तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, 8 को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन इज n माइनस 1440, ठीक है जी, ये हमारे पास। अब इसमें एक चीज हमारे पास होती है एक्सटीरियर एंगल्स, ये हमारे पास है। अगर आप साइड्स को प्रोड्यूस कर दें, आपने इसको यहाँ प्रोड्यूस कर दिया, इस साइड को यहाँ प्रोड्यूस कर दिया और इस साइड को यहाँ प्रोड्यूस कर दिया, तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास एक एंगल ये बना, फिर एक एंगल ये बना, फिर एक एंगल ये बना, ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज, ध्यान रखना, 360 डिग्री। कोई सा भी हो, चाहे ट्राइंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अगर सपोज करो मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो है ये, आप सपोज कर लिया करो, मैंने आपसे कहा ये 70 है, ये 60 है और ये 50 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 110 और ये आपके पास हो जाएगा 130 और ये आपके पास हो जाएगा 120। अगर आप इनका सम देखेंगे तो 360 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास
आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो अगर आप आपके पास ये 100 है, ये सपोज करो 70 है, ये सपोज करो 80 है, ये सपोज करो 110 है, तो अब आप खुद चेक करोगे, ये 80 आएगा, ये 110 आएगा, ये 100 आएगा और ये 70 आएगा, तो इन सबका सम 360 होगा. Sum of all exterior angle is always 360, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. ये होता है. दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे आपके पास स्क्वायर है, तो ऐसे पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन कहते हैं. रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, all sides equal, all sides, angles, medians, altitudes, जिसकी भी आप बात करेंगे वो सब इक्वल होता है, ठीक है, सारे इक्वल है, तो ऐसे पॉलीगन्स को रेगुलर पॉलीगन कहते हैं. तो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो एंगल भी इक्वल होते हैं. अगर एंगल इक्वल होते हैं तो वन एंगल आप निकाल सकते हैं. वन एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन of n sides. तो sum of all angle हमें पता है n minus 2 into 180 होता है. लेकिन अब आप उसे n से divide कर दीजिए. तो अगर आप उसे n से divide करेंगे, तो आपका one angle आता है. ठीक है? दूसरी बात क्या है? इसी तरह से one exterior angle भी आप निकाल सकते हैं. तो उसे 360 को n से divide कर दीजिए. ये हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं. बात अगर हम ट्रायंगल की करें तो ट्रायंगल में तो हमें पता था सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180, और हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके इक्वल होता है. मतलब अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है और ये हमारे पास 1 है, ये पास 2 है, ये पास 3 है, और सपोज करो ये हमारे पास 4 है, तो दो चीजें हैं 1 + 2 + 3 = 180 एंड एंगल 4 = एंगल 1 + 2. ये हमारे पास, इसमें से अगर किसी को भी कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं. वालेकुम अस्सलाम. मैं आपको दो तीन क्वेश्चन बता दूं एग्जाम्स में आ जाए. जी चलिए, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो जरा. सर एंगल एक्स 40. वेरी गुड. आपके ऊपर चॉइस है, आप जैसे चाहे स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है. बस ध्यान ये रखना है कि आप कैलकुलेट सही करें. आपके पास ये एंगल यहाँ पे P90 दिया हुआ है, और थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप एक चीज कंसीडर कर रहे हैं तो बस उसी को देखें. मतलब अगर आप
एक बार ध्यान से देख रहे हैं तो बस इस वाले ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर को अगर आप देखोगे, एक तो हो गया 90 और एक इसमें हो गया 40। कितना हो गया? 40। तो 90 प्लस 40 कितना हो गया भाई? 130। अगर 130 हो गया तो आपका x निकल के आ जाएगा, है ना भाई? x कितना आ गया? 50। ठीक है, अगर आपका x 50 आ गया, अब आप कंसीडर करिए बेटे जो दूसरा वाला ट्राइंगल बचा हुआ है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बचा हुआ है? दूसरा ट्राइंगल बचा हुआ है हमारा PSR। तो अगर हम PSR को देखेंगे तो ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास 50 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा कितना आया था? 30, और ये हमारे पास कितना आया था? 50। तो आपकी मर्जी है। एक तो आप देख सकते हो कि y इसमें एक्सटीरियर एंगल है। y क्या है? एक्सटीरियर। अगर आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, तो ये वाला एंगल इसका एक्सटीरियर है। अगर ये एक्सटीरियर है तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 50। ऐसे समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 30 प्लस 50 80, तो ये अंदर वाला एंगल 100 हो गया तीनों का सम में से, तो बी एट वाई हमारा 80 आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इसको समझ पा रहे। देखो, ये क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत बार। ठीक है, और सीधा सीधा सा रिलेशन है ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। ये हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन भी ले लूं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। हमारे पास क्या होता है, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहले इसको समझ लीजिए, फिर दूसरा। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस ट्राइंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इतना जो मैंने आपको मार्क किया है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका हाफ कर, और ये जो हमारे पास एंगल है, ये वाला एंगल, ये इसका बाइसेक्टर है। तो ये दोनों बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर यहाँ ओ पे मिल रहे हैं, तो आपसे कहता है एंगल ओ बताइए। ठीक है, और एंगल ओ की रिश्तेदारी जो है सीधी सीधी सी, वो आपसे कहता है ए के साथ बताइए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि शो करो, तो हमारे पास एमसीक्यू में शो तो नहीं होता है। हमारे पास एमसीक्यूज में तो ये होगा कि सपोज करो, या ये पूछ सकता है कि एंगल ए विल बी इक्वल्स टू, तो चार ऑप्शन दे दे नीचे, तब वो आपसे करा ले। या आपसे एंगल ए की वैल्यू दे दे कि भाई एंगल ए 60 है तो एंगल ओ बताइए। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बनता है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ भी कर लेंगे अभी, और इसको यूज भी कर लेंगे, और वैसे दूसरी चीजों से भी हम इसको समझ लेंगे। तो कैसे समझेंगे? एक तो ये होता है क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, फिर मैं दोनों को एक साथ ही करा दूं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी कहता है कि नहीं सर, हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में ये इंटीरियर एंगल है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये इधर वाला एंगल है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ ओ पे मिल रहा है। अब आपसे कहता है कि इस एंगल ओ में और इस एंगल ए में रिश्तेदारी बताओ। तो ये आपसे दो तरह के क्वेश्चंस कहता है। तो मैं इनको दोनों को वैसे सिंपल सिंपलीफाई कर रहा हूँ। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल, ये आपके पास ट्राइंगल, और आपको सिर्फ ये एंगल ए दिया हुआ है 60, ये सिर्फ एंगल ए 60 दिया हुआ है आपको, मान लीजिए। तो अगर एंगल ए 60 दिया हुआ है तो आप ये ध्यान कर लीजिए, आप सब बच्चों से कह रहा हूँ, तो आप सिर्फ ये ध्यान कर लीजिए कि ये जो दो एंगल होंगे, ये दो एंगल, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 120, सॉरी अंदर वाले एंगल ले लीजिए पहले, बाहर वाले तो बाद में लेंगे, अंदर वाले एंगल का सम 120 डिग्री होगा। हाँ भाई, अंदर वाले जो एंगल हैं, ठीक है, इन दोनों का सम
120 डिग्री होगा, ठीक है, तीनों का सम 180 होता है। अगर ये 120 होगा, या आप सपोज भी कर सकते हो, चलो सपोज कर लो ज्यादा आसान रहेगा, 180 वाला एंगल आप सपोज कर लो, मान लीजिए ये 60 है तो ये 120 है, तो 120 कैसे आप सपोज करो, मान लीजिए ये हमारे पास है 80 और ये है 40, अगर ये 80 और 40 है तो सीधी सी बात है ये बचा 100 और ये बचा आपका 140। अब आपने क्या किया, आपने इसका हाफ किया, तो इसका हाफ किया तो ये हो गया 50, इतना बाइसेक्टर। फिर आपने क्या किया, आपने इसका हाफ किया तो ये हो गया 70। तो अगर ये 50 है और ये 70 120 है तो ये आपके पास कितना बचा, ये आपके पास बचा 6, ये मेरे पास आया। तो 60 कैसे आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन दिया हो सकता है कि 90 प्लस हाफ ए या 90 माइनस हाफ ए, या आपसे ऑप्शन दे सकता है ए बाई टू, कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे ए हमारा 60 है, उसका हाफ हो जाएगा 30, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 आए। तो एक तो तरीका ये है कि आप एंगल्स की वैल्यू सपोज करके सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि सर ये होता कैसे है एक्चुअली, दोनों रिजल्ट्स अगर हम प्रूफ करना चाहें, तो वो सिंपल इतना सा है कि मुझे ओ और ए का रिलेशन चाहिए। तो ओ और ए का रिलेशन कैसे आता है, कि ये है आपके पास ए और ये है बी और ये है सी, और मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे ले लेते हैं सपोज करो, चलो 1, 2 और 3, और इस एंगल को ले लेते हैं 4 और इस एंगल को लेते हैं 5। तो आप जरा ध्यान से देखिए, एंगल 4 जो इक्वल होगा वो 1 प्लस 3 के इक्वल होगा, और एंगल 5 जो इक्वल होगा वो एंगल 1 प्लस 2 के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल। अगर आप 4 को ले रहे हो तो 1 और 3 को लोगे, और अगर आप 5 को ले रहे हो तो आप 1 और 2 को लोगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो एंगल 4 प्लस 5, जरा ध्यान से देखोगे इधर मेरे पास 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, लेकिन 1 दो बार आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है सर। लेकिन आप ध्यान से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है भाई, तीनों एंगल का सम अंदर वालों का कितना होगा सर, वो हो जाएगा 180। तो 180 प्लस 1, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 प्लस 1 हो गया। अच्छा अब आप क्या करो, आपने करा क्या था, 4 का हाफ किया था और 5 का भी हाफ किया था, तो हाफ ऑफ 4 कर दो आप और हाफ ऑफ 5 कर दो आप, तो 180 का हाफ 90 हो जाएगा और एंगल 1 का हाफ हो जाएगा। अच्छा अगर आपने 4 का हाफ कर दिया तो मान लो ये वाला एंगल आ गया, सपोज करो इसको मैं कह दूं x, और 5 का हाफ हो गया, इसको सपोज कह दो मैं कह दूं y, तो ये हो गया x, ये हो गया y is equals to 90 plus half angle 1। अब ये हमारे पास हो गया z, तो आपको पता क्या है, आपको पता है x plus y plus z 180 होता है, तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा अंदर वाले ट्राइंगल में। तो x plus y की जगह आप रखोगे 90 plus half angle 1 plus z is equals to 180। तो इन दोनों को अगर यहाँ ले जाओगे तो z की वैल्यू आएगी 180 माइनस 90 इज 90, और एंगल 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा। एंगल 1 हम किसे कह रहे हैं, a को, और z हम किसे कह रहे हैं, o को। तो एंगल o जो होता है 90 माइनस हाफ एंगल a होता है, ये वाला कौन सा है जो ट्राइंगल के बाहर बना हुआ है, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर 90 माइनस हाफ a। तो अगर एक्सटीरियर में बन रहा है तो 90 माइनस होता है, ये दोनों रिजल्ट याद ही रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले देख लो दूसरा रिजल्ट। अब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल है तो फिर ले लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 plus 2 plus 3 is 180, ठीक है। अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो 180 माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम 2 का हाफ कर दें, ये बाइसेक्टर है, और ये 3 का हाफ कर दें, तो 2 का और 3 का हाफ कर दीजिए, तो 180 हाफ ऑफ 2 और हाफ ऑफ 3, तो 180 का हाफ 90 माइनस हाफ ऑफ 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ ले लीजिए O, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का हाफ हो जाएगा X, 3 का हाफ हो जाएगा Y, और एक हो गया O, तो X plus Y is equals to 90 minus half 1,
लेकिन x प्लस y प्लस o हो जाएगा 180. तो x प्लस y की वैल्यू रखो 90 माइनस हाफ 1 प्लस o इज इक्वल्स टू 180. अभी तरफ 90 माइनस करोगे तो माइनस 90 हो जाएगा, 1 को इधर माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा. तो एंगल o इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ 1. 1 किसे कह रहे हो? a को. तो ये दो रिजल्ट हैं, आप इन दोनों को याद रख सकते हो. जो अंदर एंगल होता है वो 90 में प्लस होना है एक आर, और जो बाहर एंगल होता है वो 90 में माइनस होना है. तो इन दोनों रिजल्ट्स को आप याद रख लो तो ज्यादा आसान रहेगा. ये ट्रायंगल है और ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये ओ है. तो एंगल ओ इज 90 प्लस हाफ एंगल है. ये वाला एंगल 90 में प्लस होगा, वैसे भी ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा होगा, ध्यान रखना. तो 90 से छोटा नहीं हो सकता है, 90 से बड़ा होगा. तो 90 प्लस होना. और अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और आप एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो और यहाँ बाहर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल हमेशा एक्यूट बनेगा. तो एंगल ओ विल बी 90 माइनस हाफ है, 90 से छोटा होना. तो एक हमारे पास आउटसाइड है और एक हमारे पास इनसाइड है. तो एक होगा 90 माइनस हाफ है, एक होगा 90 प्लस हाफ है. तो इस पे रिलेशन पूछ सकता है, इस पे वैल्यू निकलवा सकता है, जैसे भी आपसे चाहे क्वेश्चन दे सकता है. देखो एक क्वेश्चन छोटा सा. ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें जितने भी एंगल्स बचे हुए हैं आप शायद सारे निकाल सकते हैं. अगर ये हमारे पास 110 डिग्री है तो शायद आप ये बता सकते हो कितना है. 70 होगा. 70. अगर ये आपके पास 135 है तो आप ये बता सकते हो कितना होगा. 45. अगर ये हमारा 70 आ गया और ये 45 आ गया तो शायद आप ये भी बता सकते हो कितना आएगा. 65. ए 55 नहीं आएगा, 65 कितना आएगा. ठीक है, तो ये कितना आएगा, 65. 110 होगा ना सम, टोटल 180 होना. चलो एक क्वेश्चन और देखो. अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे देखो उसी का पार्ट है. ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि OY OZ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. OY OZ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ये दिया हुआ.